लेट्सार्टर क्विक रिविजन ऑफ द फर्स्टर ऑफ जीएसटी जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन करते हैं शुरुआत फर्स्ट चैप्टर रिविजन का सुपर क्विक रिविजन जो आपको लास्ट डे के लिए यूज करना है फट 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 मैक्सिमम चीजें ओके ऑलमोस्ट ऑल सारी की सारी चीजें मैं रिवाइज करवाने की कोशिश करूंगी इन टाइम ये सो लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट वन जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन सबसे पहली बात तो यहाँ पे कि कौन कौन से डेट कौन सा डेट यहाँ पे रिलिवेंट हो जाता है तो सबसे पहले जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था इंडिया में कौन से डेट से विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट जुलाई 2017 जम्मू एंड कश्मीर को वो एप्लीकेबल हुआ था फ्रॉम एथ जुलाई 2017 थाउजेंड एंड सो आज के दिन का अगर हम पोजीशन देखें तो जीएसटी इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ठीक है जीएसटी सबको पता है दो टर्म्स यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक तो जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ठीक है एंड दूसरा जीएसटी इज अ कंजम्पशन टैक्स जब भी गुड्स एंड सर्विसेज़ का कंजम्पशन होता है वो टाइम पे उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा ठीक है फिर अभी जीएसटी लाने से पहले हमको क्या करना पड़ा था जीएसटी लाने से पहले हमको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करना पड़ा था अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूंगी ये जो हम पढ़ रहे हैं ठीक है ये जो हम रिवाइज कर रहे हैं ये जो आप नोट्स देख रहे हो ये आपके लास्ट डे रिवीजन नोट्स है ठीक है जो मैंने बनाए हुए हैं कट शॉर्ट करके बनाए हुए हैं क्योंकि लास्ट डे रिवीजन के लिए फर्स्ट टाइम के लिए प्लीज इसको यूज मत करना ठीक है ये लास्ट डे के लिए बनाए हुए है ये आपके मेन नोट्स के अंदर से ही बनाए हुए है लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने लास्ट डे पे रिवाइज नहीं की तो भी चलेगा वो यहाँ से मैंने निकाल दिया है ओके एंड बाकी सारी चीजों को भी शॉर्ट में कवर करने का कोशिश किया सो देट आप इससे फटफट फटफट

पहले लोकसभा हुआ फिर राज्यसभा हुआ फिर मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स ने अप्रूवल दिया फिर उसके प्रेसिडेंट सर ने भी अपना अप्रूवल दिया एंड उसके बाद में उसके बाद में आपका ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था दैट गॉट कन्वर्टेड इंटू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ठीक है एंड फिर उसके बाद में आपका जीएसटी लॉ बन गया ठीक है फर्स्ट जुलाई 2017 से हमने उसको पूरे इंडिया में लागू कर दिया जम्मू कश्मीर ने तब तक हाँ नहीं बोला था तो हमने जम्मू कश्मीर छोड़ के बाकी सब जगह पे एप्लीकेबल कर दिया एथ जुलाई को विद इन अ वीक्स टाइम एथ जुलाई को जम्मू कश्मीर ने भी उस चीज के लिए हाँ बोल दिया और फिर जीएसटी एप्लीकेबल हो गया टू द होल ऑफ इंडिया जैसे आपका जीएसटी एप्लीकेबल हुआ वैसे ही कुछ एक्ट्स बन गए ठीक है जीएसटी लॉ लेकर आए ना जीएसटी लॉ अगर लेकर आए तो कुछ एक्ट्स तो बनने चाहिए कौन कौन से एक्ट्स बनेंगे

अभी यूनियन टेरिटरीज जो थे ठीक है टोटल एट यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में लेकिन उसमें से पांच ऐसे यूनियन uh, टेरिटरीज है जिन्होंने बोला कि हमको अपना खुद का कोई लेजिस्लेचर नहीं बनाना है तो हम यू टी जीएसटी एक्ट फॉलो करेंगे लेकिन तीन ऐसे यूनियन टेरिटरीज है जिन्होंने बोला कि हमको यूनियन टेरिटरी बन के नहीं रहना है फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी हम खुद का स्टेट लेजिस्लेचर लेकर आएंगे हम खुद के लॉज बनाएंगे ठीक है तो दिल्ली हो गया पुदुचेरी हो गया जम्मू कश्मीर हो गया ठीक है ये तीन ने क्या बोला ये तीनों ने बोला कि वी विल बी कंसिडर्ड एज स्टेट वी वॉन्ट आरसेडर्ड एज स्टेट मीन कैन वी कॉल देम एज यूनियन टेरिटरी विद ओन स्टेट लेजिस्लेचर ठीक है उन्होंने खुद ने अपना स्टेट लेजिस्लेचर बनाया तो उनकी गिनती हम स्टेट्स के साथ में करेंगे और बच गए आपके पांच यूनियन टेरिटरीज कॉल डी एंड अदर्स अगर आपको याद होगा तो चंडीगढ़ अंदमान एंड निकोबार लद्दाख योर लक्ष्मीप एंड दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली एंड एनी अदर टेरिटरी एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ये पांच के लिए क्या बोल दिया ये पांच के लिए बोल दिया कि भाई ये पांच के लिए बोल दिया कि इन्होंने अपना खुद का स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बनाया तो इनको हम आज के दिन भी क्या ट्रीट करेंगे इनको हम आज के दिन भी यूनियन टेरिटरीज ट्रीट करेंगे एंड अगर हम इनको यूनियन टेरिटरीज ट्रीट कर रहे हैं तो दे विल बी कॉल्ड एज दे विल फॉलो विच एक्ट दे विल फॉलो द यू टी जी एस टी एक्ट टू थाउजेंड एंड ठीक है ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया जीएसटी के अंदर अब एक 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 चीज को चालू करता है सबसे पहले तो जीएसटी कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होने वाला है ठीक है जीएसटी जीएसटी इज फर्स्ट ऑफ ऑल अ वैल्यू एडेड टैक्स ठीक है हमने मेन लेक्चर के अंदर देखा हुआ है हमने पहले पढ़ा हुआ है जैसे जैसे वैल्यू एडिशन होता है अल्टीमेटली उतने अमाउंट के ऊपर आपका टैक्स आने वाला है ठीक है और ये एक ऐसा टैक्स है जो मैन्युफैक्चर के ऊपर भी आएगा सेल के ऊपर भी आएगा रीसेल के ऊपर भी आएगा कंजम्पशन बेसिकली मैन्युफैक्चर से लेके मैन्युफैक्चर से लेके कंजम्पशन तक जो कुछ भी होने वाला है उसमें ये वाला टैक्सेस आने वाला है ठीक है फिर उसके बाद में दूसरा जीएसटी उन्होंने ये वे से डिजाइन किया हुआ कि हर लेवल पे Uh, हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला है मतलब जब भी हम सेल करेंगे तो वो टाइम पे टैक्स पेएबल आने वाला है ठीक है वो टैक्स पेएबल में से हमने ऑलरेडी अपने परचेज करते टाइम पे जितना भी टैक्स पे कर दिया था वो माइनस हो जाएगा तो हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा ठीक है हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा कंटिन्यूस uh, चेन रहता है इस वजह से जो भी लोग रहते हैं इन द चेन उनके ऊपर टैक्स का बर्डन कभी नहीं आता और टैक्स का बर्डन किसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है टैक्स का बर्डन फाइनली शिफ्ट हो जाता है ऑन द फाइनल कंज्यूमर एंड जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जिसमें आईटीसी के वजह से देर इज नो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन टैक्सेस मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता जो पुराने वाले स्कीम के अंदर लगता था ठीक है अभी अभी देखो नया लॉ लाया है तो पुराने लॉ के अंदर कोई ना कोई तो खामियां होगी कोई ना कोई तो प्रॉब्लम्स होगा इसीलिए वो लोग ने नया लॉ लाया यस आर सम सम डेफिशिएंसीज अभी क्या डेफिशिएंसी पुराने लॉ के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं मैं आपको क्विकली रिवाइज करवा देती हूँ एक तो पुराने वाले लॉ के अंदर क्लैरिटी नहीं था कुछ कुछ चीजों के लिए क्लैरिटी नहीं था कि भाई वो गुड्स है कि वो सर्विसेज है ठीक है तो हमको हमेशा प्रॉब्लम होती थी कि उसके ऊपर वैट लगाया कि सर्विस टैक्स लगा जैसे आपका रेस्टोरेंट हो गया सॉफ्टवेयर वगैरह हो गया तो उस चीज के लिए जीएसटी ने क्लैरिटी दे दिया ठीक है दूसरी दुसरी बात दूसरी बात आपका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के टाइम पे एक्साइज ड्यूटी भी लगता था और फिर उसको जब आप सेल करोगे तो वैट भी लगता था ठीक है तो और जो वैट लगता था ना वो वैल्यू इंक्लूडिंग एक्साइज ड्यूटी के ऊपर लगता था

तो उस वजह से फाइनल वैल्यू के ऊपर पूरा का पूरा लोड आ जाता था दोनों टाइप के टैक्सेस का और अल्टीमेटली तो कस्टमर फंस गया बेचारा ठीक है फिर उसके बाद में पहले वाले सिस्टम के अंदर मल्टीपल टैक्सेस होते थे ठीक है लग्जरी टैक्स बोल दिया टैक्स ऑन परचेजेस बोल दिया अनाप शनाप नाम के टैक्सेस वो लोग लगा देते थे अब वो सब उन्होंने क्या कर दिया इकलौता टैक्स बना दिया है एज जीएसटी ठीक है फिर दूसरा ये था कि भाई वैट और सर्विस टैक्स एक दूसरे के साथ में इंटीग्रेटेड नहीं था ठीक है एक दूसरे के साथ में इंटीग्रेटेड नहीं था तो फिर कैसा इफेक्ट हो जाता था वापस से दोनों अलग अलग गवर्नमेंट को जाता था वैट जाता था स्टेट गवर्नमेंट को सर्विस टैक्स, टैक्स जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट को फिर उसके बाद में सर्विस टैक्स एक ऐसा टैक्स था जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकता था तो कौन दुखी हो गया आपका स्टेट गवर्नमेंट दुखी हो गया बिकॉज आज के दिन तो सर्विस इंडस्ट्री बढ़ते जा रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट कभी भी वो सर्विसेज के ऊपर टैक्स ही नहीं लगा पाया ठीक है फिर दूसरा जब भी इंटरस्टेट सप्लाई होता था तब सीएसटी करके एक टैक्स लगता था ठीक है इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ हो गुड्स होता था तब सीएसटी करके एक टैक्स लगता था और वो सीएसटी का तो क्रेडिट भी नहीं मिलता था अगर वो सीएसटी का आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो कैनवी से आई रहा है तो उसके बाद इंडायरेक्ट टैक्सेस जब इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था तब उनका मेन प्रिंसिपल था डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होना चाहिए मतलब जहां पे अल्टीमेटली गुड्स जा रहा है वो स्टेट के गवर्नमेंट को रेवेन्यू जानी चाहिए पर सीएसटी अलग था सीएसटी ने बोला नहीं भाई ओरिजिन बेस्ड टैक्स है हम तो तो वो उसने पूरा का पूरा इंडायरेक्ट टैक्सेस का फंडा ही हिला दिया था तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स थे पुराने वाले लॉ के अंदर जिस वजह से जिस वजह से उन लोग ने जीएसटी इंडिया में इंट्रोड्यूस किया ठीक है अभी जीएसटी के कुछ कुछ फीचर्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया जीएसटी के अंदर जीएसटी उन्होंने क्या मोटो से लेकर आया वन नेशन वन टैक्स बोल के लेकर आया ठीक है।, है अभी जीएसटी जब वो लोग लेकर आए तब उन्होंने क्या बोला हम दोनों को पावर्स देंगे मतलब हम सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर्स देंगे हम स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर्स देंगे दोनों को पावर्स देंगे कि तुम मिलकर जीएसटी लगाओ ठीक है अब मानो जीएसटी का रेट एटीन है तो नाइन सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगा नाइन स्टेट गवर्नमेंट लगाएगा ऐसा नहीं कि टैक्स डबल हो रहा है टैक्स रेट तो उन्होंने वैसे भी 18 परसेंट ही सोचा था बट पावर्स दोनों को दे दिया तो रेवेन्यू भी दोनों को चला जाएगा ठीक है तो ड्यूएल जीएसटी मॉडल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया फिर उसके बाद में ये ड्यूएल जीएसटी मॉडल के अंदर फिर उन्होंने बोला अच्छा अब अब बात करते हैं अब गुड्स हो या सर्विसेज हो कोई फर्क नहीं पड़ता है पे जीएसटी तो लगना है ठीक है अब ये हमको ये डिसाइड करना है कि अगर इंटरस्टेट सप्लाई हुआ तो कैसे जीएसटी लगेगा इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा तो कैसे जीएसटी लगेगा पहले इंट्रास्टेट का बात कर लेते हैं ठीक है विद इन द सेम स्टेट महाराष्ट्र टू तो महाराष्ट्र तो वो टाइम पे आपका सीजीएसटी एंड एसजीएसटी वाला टैक्स लगेगा ठीक है सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगा एसजीएसटी महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट लगाएगा ठीक है फिर वैसी इंट्रा यूनियन टेरिटरी हो गया चंडीगढ़ टू चंडीगढ़ हो गया मान लो फॉर एग्जांपल तो इन दैट केस सीजीएसटी टैक्स लगाएगा एंड यूटी जीएसटी एक टैक्स लगाएगा नाइन परसेंट नाइन परसेंट सी जी एंड यूटी जीएसटी ठीक है अगर इंटर स्टेट हुआ दो स्टेट्स के बीच में होगा महाराष्ट्र एंड राजस्थान हो गया मान लो तो इन दैट केस आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी टैक्स लगाएगा अच्छा ये लगाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट लेकिन उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ये रेवेन्यू को डिवाइड कर देगा रेवेन्यू को बाइफरकेट कर देगा बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट मैं जो भी बोलते जा रही हूँ आपके पास में बोर्ड पे ऑलरेडी है ठीक है चलो ये हो गया फिर उसके बाद में मानो अगर एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी के बीच में अगर ट्रांजेक्शन हो मानो महाराष्ट्र एंड चंडीगढ़ के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो इसको हम क्या मानेंगे इसको हम इंट्रा यूनियन टेरिटरी तो नहीं मान सकते ना ही इंट्रा स्टेट मान सकते हैं तो इसको हम इंटर स्टेट मानेंगे वापस से यहां पर आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी लगाएगा और फिर उसके बाद में वो आईजीएसटी को हम स्प्लिट कर लेंगे बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट का ठीक है तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस लगेंगे सीजीएसटी एसजीएसटी यूटीजीएसटी आईजीएसटी ठीक है फिर उसके बाद में फिर उसके बाद में इन लोग ने बोला कि अभी हर प्रोडक्ट हर गुड्स uh, हर सर्विसेज के ऊपर हमको टैक्स रेट्स में वेरिएशन रखना है कोई प्रोडक्ट्स पे कम लगेगा कोई प्रोडक्ट्स पे ज्यादा लगेगा तो इन्होंने क्या किया गुड्स अपने इंडिया में जितने भी कैटेगरी ऑफ गुड्स हैं इनको इन्होंने क्लासिफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ कोड कॉल्ड एज एच एस एन ठीक है हर मन सिस्टम ऑफ टॉमन क्लेचर के बेसिस पे इन्होंने वो गुड्स को क्लासीफाई कर दिया हर गुड्स के सामने उसका एच कोड लिख दिया और उसके सामने उसका रेट ऑफ जीएसटी

डिफरेंट डिफरेंट कोडिंग कर दिया फॉर द पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज ठीक है अभी फिर उसके बाद में जीएसटी ने तीन चीजें और लेकर आई ठीक है सबसे पहले तो उन्होंने बोल दिया कि हर एक पर्सन जो सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज दे रहा है पहली बात तो सब को कंपलसरिल रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है ऐसा देखो हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर में जाएंगे बट सबसे पहले उन्होंने बोला ओनली इफ योर टर्न ओवर क्या कहा मैंने ओनली इफ योर टर्न ओवर एग्रीगेट टर्न ओवर एक्सीड पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड लिमिट एक लिमिट से ज्यादा अगर आपका टर्न ओवर जाता है तो ही आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है तब तक आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है ठीक है फिर दूसरा उन्होंने बेनिफिट दिया इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम ठीक है उन्होंने बोला कुछ छोटे बिजनेसमैन है कुछ छोटे सर्विस प्रोवाइडर्स है जिनका टर्न बहुत ज्यादा नहीं है तो उनके ऊपर क्यों इतना लोड डालते हैं हम उनको बोलेंगे तुम एक काम करो तुम्हारा जितना भी टर्न ऊपर एक फ्लैट रेट ऑफ जीएसटी डिस्काउंटेड रेट रेटेंट नहीं कुछ ना कुछ कम एक डिस्काउंटेड रेट ऑफ जीएसटी आप पे करके खत्म करो सो दैट सो दैट उनके लिए इजी हो गया देखो उनको रजिस्ट्रेशन तो लेना पड़ेगा लेकिन उनको पूरा टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है वो टैक्स पे कर सकते हैं एट डिस्काउंटेड रेट्स ठीक है फिर फिर उसके बाद में, उसके बाद बाद में 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 लोगों ने पूछा सर कोई चीज़ों छूट भी मिलेगी क्या ठीक है मतलब कोई ऐसे गुड्स या कुछ ऐसे सर्विसेज भी है क्या जिसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है तो सरकार ने बोला जी है ना क्यों नहीं है ठीक है ऐसे कुछ गुड्स है कुछ एसेंशियल गुड्स रहेंगे कुछ एसेंशियल सर्विस रहेंगे विच आर टोटली एक्सेंटेड फ्रॉम जीएसटी जिसके लिए गवर्नमेंट है ना नोटिफिकेशन लेकर आएगी एंड गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में बोल देगी कि ये वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर आपका जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है ठीक है फिर उसके बाद में वैसे ही फिर उसके बाद में वैसे ही आया आपका जीएसटी कॉमन पोर्टल ठीक है जीएसटी कॉमन पोर्टल में उन्होंने क्या बोला उन्होंने बोला कि भाई अभी हम इतना बड़ा रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं ठीक है इंडिया में आई थिंक इंडा टैक्स में सबसे बड़ा रिफॉर्म आपका जीएसटी है ठीक है तो हम इतना बड़ा रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं तो हमको सब कुछ ऑनलाइन रखना है सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखना है टैक्स पेयर के लिए भी ईजी रहना चाहिए गवर्नमेंट के लिए भी ईजी रहना चाहिए तो इन्होंने वेबसाइट लॉन्च कर दी कॉल डेस्ट जीएसटी डॉट जीओवी डॉट इन ठीक है ये अपना कॉमन पोर्टल है अपना बेसिक वेबसाइट है ठीक है ये अपना बेसिक वेबसाइट है जिसके ऊपर हम सब कुछ कर सकते हैं अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है तो उसके ऊपर ले सकते हैं टैक्स का पेमेंट करना है तो उस उसपे कर सकते हैं अपन को जीएसटी के रिटर्न फाइल करने हैं तो हम इस वेबसाइट वगैरह को यूज कर सकते हैं ठीक है और ये वाली जो वेबसाइट है ना दिस इज मेंटेन बाई जीएसटी एन नेटवर्क जीएसटी नेटवर्क विच इज एक्शन एट कंपनी फॉर्म अंडर द कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड ठीक है ये बेसिकली एक इंटरफेस हो गया ना टैक्स पेयर के बीच में एंड गवर्नमेंट के बीच में बात करने के लिए इकलौता मोड हो गया जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं हर चीज़ के लिए हम ये वेबसाइट यूज़ करेंगे एक्सेप्ट फॉर वन थिंग दैट इज योर फॉर फर्निशिंग इलेक्ट्रॉनिक वे बिल ठीक है हम आगे जाके अपने सिलेबस में पढ़ेंगे समथिंग अबाउट ई वे बिल तो ई वे बिल के लिए ई वे बिल के लिए हम ये वाली पोर्टल यूज़ नहीं करेंगे उसके लिए अलग वेबसाइट है ई वे बिल जी एस टी डॉट जी ओ वी डॉट इन हम उसका इस्तेमाल करेंगे ठीक है उसके अलावा उसके अलावा हर एक चीज किसकी हर एक चीज कौन से वेबसाइट पे होने वाली है कॉमन पोर्टल पे होने वाली है दैट इज डब्ल्यू 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 डॉट जी एस टी डॉट जी ओ वी डॉट इन ठीक है और ये ये वाले जो वेबसाइट है ये वाले जो वेबसाइट है इसका काम क्या है या फिर जो जीएसटी एन है जीएसटी नेटवर्क जो है वो क्या काम करेगी मतलब वेबसाइट किस चीज के लिए काम आनी चाहिए तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है तो ये वेबसाइट काम आनी चाहिए टैक्स का पेमेंट करना है तो ये वेबसाइट काम आनी चाहिए वो आईजीएसटी याद है सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी भी कर रहा था और शेयरिंग हो रही थी बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट में वो कैलकुलेशन भी जीएसटी के वेबसाइट के बैक एंड पे ही होने वाली है फिर उसके अंदर अगर जीएसटी के रिटर्न्स फाइल करना है ये वेबसाइट को यूज करो ठीक है टैक्स पेयर का कुछ भी डेटा है अगर वो गवर्नमेंट को देना है ठीक है टैक्स तो वेबसाइट क्या करेगा वेबसाइट टैक्सपेयर का डेटा एनालाइज करेगा और उसे एम रिपोर्ट बना के सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को दे देगा वो टैक्सपेयर के प्रोफाइल को एनालाइज करेगा वेदर आई एम अ रेगुलर टैक्स पेयर और आई एम अ डिफॉल्टर टैक्स पेयर एक्सेट्रा ये सारी चीजें कौन करने वाला है ऑल दीज विल बी डन बाई द जीएसटी ठीक है अभी जीएसटी इनको इतना बड़ा वेबसाइट बनाने का है तो उसको आईटी वाले लोगों का भी तो हेल्प लेना पड़ेगा ना इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले लोगों का भी तो हेल्प लेना पड़ेगा तो इट कैन टेक हेल्प ऑफ जीएसपी जीएसपी स्टैंड्स फॉर व्हाट जीएसपी स्टैंड्स फॉर जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स जैसे आपका आई कंपनीज हो गया बड़े आई कंपनीज हो गया इन्फोसिस हो गया टीसीएस हो गया एक्स एक, टैक्समैन हो गया एक्सेट्रा इन लोग का मदद लेगा और इन लोगों की मदद लेके वो रिसोर्सेज डेवलप करेगा वो वेबसाइट डेवलप करेगा एंड फिर उसके बाद में ठीक है जीएसपी तो आपके बड़े कंपनी हो गए जो एक तरह से गवर्नमेंट को मदद कर रहा है कि भाई ठीक है हम वेबसाइट डेवलप करेंगे फिर ये जीएसपीज और आगे मदद ले सकते हैं और छोटे छोटे डेवलपर्स ठीक है छोटे छोटे डेवलपर्स जो लोग जीएसपी को मदद करेंगे अल्टीमेटली टू मेंटेन दिस वेबसाइट ऑफ जीएसटी डॉट जी डॉट इन ठीक है फिर उसके बाद में वो ये रहा वो ये लिखा हुआ है ठीक है फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका कॉम्पनसेशन सेस ठीक है याद है आपको स्टार्टिंग में मैंने मेंशन किया था जीएसटी टू सेस एक्ट तो अभी पहले कैसा हो, होता था पता है पहले है ना कुछ डीमेरिट प्रोडक्ट्स है अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं है टोबैको वगैरह जैसा हो गया पान मसाला वगैरह हो गया ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स है या फिर कुछ लग्जरी प्रोडक्ट्स है मोटर कार्स वगैरह हो गया तो पहले कैसा होता था पता है ये वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर है ना पूरा का पूरा टैक्स कौन कलेक्ट करता था पूरा का पूरा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करता था अब क्या हो गया अब जीएसटी आ गया अगर अब जीएसटी आ गया है तो इज अ लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट पहले पूरा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लेता था, था अब वो टैक्स जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट एज एज वेल स्टेट तो स्टेट्स स्टेट्स ने है। ने ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन उठाया उठा के बोला नहीं चलेगा नहीं चलेगा तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला ठीक है तो ये वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर हम एक एक्स्ट्रा सेस लगा देंगे कॉल्ड एज जीएसटी कॉम्पनसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा एंड फिर वो वो वाले स्टेट्स को देगा जो नहीं चलेगा नहीं चलेगा करके चिल्ला रहे थे ना उनको देगा एज अ कॉम्पनसेशन ठीक है फिर उसके बाद में फिर उसके बाद में नेक्स्ट वन नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे ध्यान से अभी जीएसटी कौन कौन से प्रोडक्ट्स कौन कौन से गुड्स कौन कौन से सर्विसेज पे एप्लीकेबल है तो वैसे तो हम बोलेंगे कि जीएसटी सब सब गुड्स एंड सब सर्विसेज के ऊपर एप्लीकेबल ठीक है बट कुछ एक्सेप्शन है अभी जैसे एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है उसके ऊपर जीएसटी बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है इट इज टोटली आउटसाइड द ऑफ जीएसटी ठीक है है फिर वो जो आपके पांच प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम पेट्रोलियम क्रूड पेट्रोल डीजल नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल ये जो पांच प्रोडक्ट्स है इसके ऊपर आज के दिन जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है लेकिन फ्यूचर में कोई भी नोटिफाइड डेट जो जीएसटी काउंसिल फ्यूचर में जाके नोटिफाई करेगा वो कोई भी डेट से उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो सकता है ठीक है एंड अगली बात अगली बात यह है कि रियल एस्टेट ठीक है रियल एस्टेट के ऊपर भी अभी इम्यूएबल प्रॉपर्टी ना आपका रेडीमेड हाउस प्रॉपर्टी हो गया या फिर आपका लैंड हो गया उसके ऊपर भी आज अभी तक जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है ठीक है तो सबसे पहला तो हो गया आपका एल्कोलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्शन उसके ऊपर तो बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है और फिर आपके वो जो पांच पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर फिलहाल जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है बट कोई भी फ्यूचर डेट से उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो सकता है ठीक है अभी यहाँ देखो ना यहाँ देखो मैंने इसको मतलब समराइज किया हुआ है अभी सबसे पहले तो अल्कोहलिक लिक्कर के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है ठीक है अ, पेट्रोलियम क्रूड एक्सेक्ट्रा के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा जब जीएसटी काउंसिल उसको रेकमेंड करेगी तो मैम क्या ये पूरा का पूरा टैक्स फ्री है नहीं ये टैक्स फ्री नहीं है सिर्फ इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है मतलब अभी भी पुराने वाले टैक्सेस इसके ऊपर एप्लीकेबल है है जैसे की, जैसे कि कि फॉर ह्यूमन जब ये मैन्युफैक्चर होगा जब ये प्रोड्यूस होगा तब उसके ऊपर स्टेट एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल होगा और जब ये बेचोगे तब जीएसटी तो एप्लीकेबल नहीं है पर वैट एंड सी एस टी वैट मतलब इंटरेस्ट रेट हुआ तो वैट इंटरेस्ट रेट हुआ तो सीएसटी तो, वो एप्लीकेबल हो जाएगा ठीक है सिमिलरली सिमिलरली पेट्रोलियम क्रूड एक्सेट्रा इसके ऊपर भी Uh, आज के दिन जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है पर जब ये मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस हो गया तब उसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल होगा और जब आप उसको बेचोगे जब आप उसको बेचोगे तब उसके ऊपर वैट या जीएसटी एप्लीकेबल होगा ठीक है ये तो वो वाले दो प्रोडक्ट्स हो गए जिसके ऊपर अभी तक जीएसटी एप्लीकेबल नहीं था फिर बात आई दो ऐसे प्रोडक्ट्स की जिसके ऊपर जीएसटी तो एप्लीकेबल है प्लस साथ में इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी भी एप्लीकेबल है जब ये मैन्युफैक्चर हो रहा होगा तब जैसे टोबैको है ठीक है अभी देखो ये वाले जो प्रोडक्ट्स है ना ये दोनों प्रोडक्ट्स राइट हैंड साइड में जो लिखे हुए हैं, ये दोनों अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं है ठीक है तो लोग बोल रहे हैं कि डबल टैक्स भी हुआ या ज्यादा टैक्स भी लगाया तो भी अच्छा ही है ठीक है क्या ही प्रॉब्लम है जिसको कंज्यूम करना है वो तो वैसे भी करेगा और गवर्नमेंट को अपना टैक्स मिल जाएगा सो so, टेको के ऊपर मैन्युफेक्चर के टाइम एक्साइज ड्यूटी हम एप्लीकेबल कर देंगे सेल करते वक्त एनी वे जीएसटी एप्लीकेबल है सेम वे ओपीएम इंडियनोटिक ड्रग्स एक्सेट्रा इसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल है और जब आप बेचोगे तब इसके ऊपर इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल एनी वे है क्योंकि दैट वॉज नॉट आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी

अभी ये जो पुराने वाले 2017 से पहले क्या सीन था 2017 से पहले ये सीन था कि दूसरे टैक्सेस एप्लीकेबल थे वैट हो गया सर्विस टैक्स हो गया सी हो गया एक्सेट्रा ये सब तो एप्लीकेबल थे फिर जुलाई 2017 से इन लोग ने ये सारे के सारे टैक्सेस को सब्स्यूम कर दिया ठीक है किसके अंदर सब्स्यूम कर दिया इन्होंने इसको सब्स्यूम कर दिया मिक्स कर दिया मिलावट कर दिया इन टू जी ठीक है अब इसका मिलावट करते वक्त इन्होंने बोला हमने कुछ प्रिंसिपल्स कुछ सिद्धांत हमने फॉलो किए वाइल सब द ओल्ड टैक्सेज इन टू जी तो इसके अंदर क्या क्या फॉलो किया उन्होंने उन्होंने बोला पहली बात तो जो भी टैक्सेस अभी जीएसटी के अंदर सबसीय होने वाला है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस ही होने चाहिए ठीक है डायरेक्ट टैक्स को सबसे मत कर दो ठीक है दूसरी बात वो ऐसे वाले टैक्सेस होने चाहिए विच शुड बी अ पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन चेन मतलब मैन्युफैक्चरिंग से लेके कंज्यूमर तक जब भी गुड्स पहुंचता है तो बीच बीच में जो भी टैक्सेस होते थे वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे एंड उन सबके जगह पे इकलौता टैक्स आ जाएगा दैट इज जीएसटी ठीक है फिर दूसरा ऐसे कोई भी टैक्सेस है विच आर नॉट रिलेटेड टू तो गुड्स और सर्विसेज ठीक है उसको सबसे मत करना ठीक है एक्साम्पल प्रॉपर्टी टैक्स हो गया नॉट रिलेटिंग टू गुड्स और सर्विस इनकम टैक्स हो गया नॉट रिलेटिंग टू गुड्स एंड सर्विस उसको सब्स्यूम नहीं करना है अच्छा वैट हो गया सी एस टी हो गया सर्विस टैक्स हो गया दीज आर रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो उसको सब्स्यूम कर डालो ठीक है एंड चौथी चीज उन्होंने बोला भाई रेवेन्यू फेयरनेस होनी चाहिए मतलब पहले कैसा हो रहा था पता है सर्विस टैक्स का रेवेन्यू सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा था ठीक है वैट का रेवेन्यू सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को जा रहा था अब उन्होंने बोला नहीं चलेगा नहीं चलेगा रेवेन्यू फेरने चाहिए मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बराबर के अमाउंट के अर्निंग्स करने चाहिए ठीक है तो ये चार प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने क्या बोला कि ये जो फॉलोइंग टैक्सेस है दीज फॉलोइंग टैक्सेस विल बी सब्स्यूमड इन जीएसटी ओके दीज विल बी सबस्यूमड इन जीएसटी अभी आप देखो ना लेफ्ट हैंड साइड पे आपको सेंट्रल टैक्सेस दिख रहा होगा ठीक है सेंट्रल टैक्सेस में आपके हर टाइप के एक्साइज ड्यूटी जैसे आपके सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हो गया एडिशनल एक्साइज ड्यूटी हो गया काउंटर वेलिंग ड्यूटी हो गया स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी हो गया एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिनल मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट ये वाले एक्साइज ड्यूटीज आपके पूरे के पूरे सब्स्यूम हो जाएंगे ठीक है सी एस टी जो आपका पहले था वो सब्स्यूम हो जाएगा सर्विस टैक्स जो आपका पहले था वो सब्स्यूम हो जाएगा ठीक है फिर उसके बाद में पहले जैसे आपका सरचार्ज एंड सेस जो लगता था जैसे इनकम टैक्स के अंदर भी तो लगता है ना सरचार्ज एंड सेस रहेगा वो भी सबसे ठीक है खत्म खत्म हो जाएगा और फिर वो जीएसटी के अंदर आ जाएगा वैसे स्टेट टैक्सेस जो पहले थे आपका वैट था टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट था एंट्री टैक्स करके टैक्स होता था टैक्सेस ऑन परचेजेस होता था टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट होता था एंटरटेनमेंट टैक्स बाइस स्टेट गवर्नमेंट होता था इन सबको उन्होंने बोला खत्म करो खत्म करो और उसको लेकर आ गए वो लोग के अंदर सिवाय एक दैट इज एंटरटेनमेंट टैक्स बाय द लोकल बॉडी ठीक है लोकल बॉडी अगर कोई एंटरटेनमेंट टैक्स लगा रहा है तो वो अभी भी लगेगा वो सब्स्यूम नहीं हुआ है ठीक है कस्टम्स ड्यूटी है कस्टम ड्यूटी अगर अभी भी लग रहा है तो भी उसने सब्स्यूम नहीं किया है वो एक्स्ट्रा लगेगा आई बात समझ में ठीक है फिर उसके बाद में अभी जीएसटी का सबसे बड़ा लाइफलाइन क्या है जीएसटी का सबसे बड़ा लाइफलाइन इज आईटीसी ठीक है आईटीसी के बिना नए लॉ एंड लॉ के बीच में कोई खास फर्क नहीं पड़ता तो उन्होंने बोला कि भाई आपके पास में अगर आईजीएसटी क्रेडिट है हमने इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व किया हुआ है ठीक है अगर आपके पास में आईजीएसटी क्रेडिट है तो उसको पहले यूज करो अगेंस्ट आईजीएसटी लाइबिलिटी फिर भी अगर आपके पास में क्रेडिट बच जाता है तो उसको किसी के भी सामने यूज कर लो सीजीएसटी या एस के सामने फिर अगर आपके पास में सीजीएसटी क्रेडिट है तो सबसे पहले यूज करो अगेंस्ट सीजीएसटी लाइबिलिटी फिर भी अगर क्रेडिट बच जाता है तो उसको यूज करो अगेंस्ट आईजीएसटी लाइबिलिटी लेकिन एसजीएसटी के सामने नहीं हो सकता हमेशा ध्यान रखना सी के बीच में एंड इसके के बीच में हमेशा एक क्रॉस आता है मतलब सीजीएसटी क्रेडिट एसजीएसटी लाइबिलिटी के सामने नहीं जा सकता एंड वाइस वर्साउस ठीक है तो वैसे ही एस जी एस टी एस जी एस टी की अगर हम बात करें अगर हमारे पास क्रेडिट पड़ा हुआ है तो उसको किसके सामने यूज करेंगे उसको हम यूज करेंगे अगेंस्ट एस जी एस टी लाइबिलिटी फिर भी अगर पैसा बच गया तो उसको यूज करो अगेंस्ट आई जी एस टी लेकिन सी जी एस टी लाइबिलिटी के सामने वो यूज नहीं हो सकता ठीक है और फिर उसके बाद में देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट ही हमने ऑलरेडी इसके ऊपर बड़ा सार का न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था कि भाई ये डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है तो जो भी कंज्यूमिंग स्टेट की गवर्नमेंट रहेगी अल्टीमेटली रेवेन्यू वो वाले गवर्नमेंट को जाना चाहिए आधा रेवेन्यू वो गवर्नमेंट को जाना चाहिए और आधा रेवेन्यू तो एनी वे सेंट्रल गवर्नमेंट को जाने वाला है दिस इज वॉट वी हैड स्टडीड याद आ रहा है इतना ठीक है और फिर उसके बाद में याद है जब भी भी हम क्रेडिट यूज करते हैं ठीक है मानो हमने सीजीएसटी का क्रेडिट यूज किया फॉर पेइंग द आईजीएसटी जी लाइबिलिटी तो हमने वो टेबल बनाया था सी जी एस टी क्रेडिट यूज़ रहे तो सी जी एस टी अकाउंट में से वो माइनस हो जाएगा और वो एड हो जाएगा टू द आई जी एस टी कॉलम मतलब मतलब कौन किसको टैक्सेस एक्सपोर्ट कर रहा है एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट आई जी एस टी अकाउंट को टैक्सेस एक्सपोर्ट कर रहा है सो ऑन एंड सो फोर्थ ठीक है फिर उसके बाद में अच्छा इसके लिए अगर आपको कोई डिटेल्ड वर्किंग चाहिए तो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर जीएसटी इन इंडिया इंट्रोडक्शन का फर्स्ट लेक्चर डाला हुआ है उसके अंदर हमने पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है आप उसमें से एक बार देख सकते हो ठीक है पूरा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन हमने किया हुआ है फिर उसके बाद में गोइंग टू द नेक्स्ट वन उन्होंने बोला क्या फायदे हैं ओके जीएसटी का क्या क्या बेनिफिट्स है तो जीएसटी के बहुत बेनिफिट्स हैं उन्होंने बोला सबसे पहली बात तो ये इकलौता इनडायरेक्ट टैक्स है यहाँ पे मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर तो वन नेशन वन टैक्स हो चुका है ठीक है पूरा का पूरा इंडिया एक ही मार्केट बन चुका है आपको इसको स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज में भी डिवाइड करने का जरूरत नहीं है बिकॉज आप कहीं से भी खरीदो कहीं पे भी बेचो सेम अमाउंट ऑफ टैक्स ही लगने वाला है ठीक है अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट की वजह से इंडिया में मेक इन इंडिया बहुत ज्यादा भागने लग गया ठीक है मेक इन इंडिया बहुत ज्यादा भागने लग गया तो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया ओके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ गए बिकॉज इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ गया लोग इंडिया में ही बिजनेस चालू कर रहे हैं अभी बराबर है ठीक है Uh, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है फिर उसके बाद में uh, ये आई वगैरह की वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया है पोर्टल होने की वजह से कॉमन पोर्टल होने की वजह से ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है ठीक है वेबसाइट बनाने की वजह से आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करने की वजह से सारी चीज़ें ऑटोमेटेड हो चुकी है एंड उस वजह से हमारी कंप्लायंस कॉस्ट भी कम हो चुकी है पहले जो काम पांच अकाउंटेंट मिलके करते थे कंपनी में अब वो शायद दो अकाउंटेंट भी कर सकते हैं शायद ओके okay, ऐसा इन लोग क्लेम कर रहे हैं कंप्लाइंस कॉस्ट हमारी बहुत ज्यादा कम हो गई है जो छोटे बिजनेसमैन है वो तो अपने जीएसटी रिटर्न्स भी खुद से ही फाइल करने लग गए बिकॉज दे इफ यू हैव अ सर्टेन नॉलेज तो वो लोग बोलते हैं कि इट इज सो सिंपल इट इज सो सिंपल टू डू अच्छा सिमिलरली एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से लेके सर्विस सेक्टर मतलब प्राइमरी सेक्टर से लेके टर्शरी सेक्टर तक सबको बेनिफिट हुआ है क्योंकि कैस इफेक्ट टोटली मिट गया ठीक है अब बार बार टैक्स लग ही नहीं रहा है

अभी ये तीनों के तीनों गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से अपना अपना टैक्सेस लेवी कर सकते हैं अगर उनके पास में कॉन्स्टिट्यूशन से पावर्स है तो ठीक है बिना कॉन्स्टिट्यूशन के पावर्स आर्टिकल नंबर 265 पहले ही बोलते थे अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको पावर्स नहीं दिया है तो वो अथॉरिटी के बिना आप टैक्सेस लेवी नहीं कर सकते ठीक है अभी तक का नॉर्मल रूल था अभी तक का नॉर्मल रूल था एज पर आर्टिकल नंबर टू कि पूरे इंडिया के लिए ओके पूरे इंडिया के लिए अगर कोई भी लॉ बनाना है तो वो सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है अकेला और अगर स्टेट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लिए लॉ बनाना है तो वो वो स्टेट का लेजिस्लेचर वो स्टेट के लिए लॉ बना सकता है ठीक है फिर उसके बाद में आर्टिकल नंबर टू फोर्टी सिक्स ने बोला ठीक है तो हम एक काम करता है तीन लिस्ट बना देता है यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट यूनियन लिस्ट के अंदर वो सारे के सारे पावर्स डालेंगे जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंट के पास में स्टेट लिस्ट के अंदर हम वो सारे मैटर्स डाल देंगे जो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास में है और कंकरेंट लिस्ट के अंदर हम वो वाले मैटर्स डाल देंगे जिसका पावर्स दोनों के पास में है सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्पल एस आपका जीएसटी जीएसटी में जो कुछ भी डिसीजन लेना है वो दोनों को ज्वाइंटली लेना है सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट सोना जीएसटी इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ विच लिस्ट जीएसटी इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ दंकरेंट लिस्ट ठीक है अभी अभी उन्होंने बोला ये सब तो ऑलरेडी आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ था ठीक है अभी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करना पड़ेगा बिकॉज पहले पावर्स किसके पास में थे पहले पावर्स से सिर्फ या तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में थे या तो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास में थे टू लेवी द टैक्सेस लेकिन अभी जीएसटी में तो हमने पहले ही बात कर लिया ना इट इज अ ड्यूएल मॉडल जी फॉर्मेट अगर डी मॉडल फॉर्मेट है तो कैन वी से दोनों को पावर्स देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट को ज्वाइंट पावर्स देना पड़ेगा टू लेवी द जीएसटी तो उसके लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया आर्टिकल नंबर 246 ए जहां पे उन्होंने बोला पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट दोनों मिला के दे विल हैव द पावर्स टू मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू जीएसटी ठीक है दोनों आपको दिख रहा है यहाँ पे पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट दोनों को मिलजुल के पावर्स दे दिया है लेकिन फिर भी उन्होंने बोला है पार्लियामेंट के पास में है ना इंटर स्टेट सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई क्या काम है इंटर स्टेट सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड है, है वो अभी भी अकेले सिर्फ पार्लियामेंट के पास में अदरवाइज अगर हम नॉर्मल जीएसटी का बात करें तो वो पावर्स किसके पास में रहने वाला है वो पावर्स रहेगा विद बोथ ऑफ दर्मेंट एज वेल एज लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट ठीक है अभी इंटरस्टेट सप्लाई के लिए स्पेसिफिकली इंटरस्टेट मतलब दो डिफरेंट स्टेट है या फिर दो एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी है उसके लिए उन लोगों ने एक और आर्टिकल इंसर्ट किया आर्टिकल नंबर टू है बोला इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन जब भी होगा ठीक है इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन जब भी होगा तब हम एक टैक्स लेवी करेंगे कॉल्ड एज आई दिस विल बी लेवीड एंड कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कलेक्ट करेगा और उसको दो जन के बीच में डिवाइड करेगा दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ठीक है ये वाला जो पोर्शन रहेगा ना जो स्टेट गवर्नमेंट वाला रहेगा वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाएगा देखो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चला गया मतलब एक तरह से वो कॉमन फंड में चला गया ठीक है जबकि ये पैसा किस में जाना चाहिए कैन वी से ये पैसा जाना चाहिए वो रिस्पेक्टिव स्टेट्स के पास ठीक है फिर उसके बाद में फिर उसके बाद में एक और नया आर्टिकल इंसर्ट किया दैट इज द आर्टिकल नंबर 279 ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट ओके आर्टिकल नंबर 279 ए के अंदर क्या बोला उसके अंदर बोला कि भाई एक जीएसटी काउंसिल बनाओ ठीक है जो 2016 के अंदर ही बन गई थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी ने उसको ऑलरेडी बना दिया था ऑलरेडी में में so, कर दिया ठीक है लेकिन उसके अंदर जीएसटी के लॉज वगैरह अगर बनाने हैं तो वो कौन बनाएगा सो दैट विल बी मेड द जीएसटी काउंसिल ठीक है जीएसटी काउंसिल के प्रोविजन बने ट्वेल्थ इमीडिएटली तीन दिन में That is 15th of September को को कर दिया and from 15 September 2016, GST काउंसिल के अंदर कौन कौन बैठने वाला है तो जीएसटी काउंसिल के अंदर चेयरपर्सन जो रहेंगे वो हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है फिर उसके अंदर कुछ मेम्बर्स भी तो आके बैठने चाहिए ना तो एक तो रहेगा यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ठीक है ये बंदा आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से ओके यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट हु इज इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस वो एक ही पर्सन रहेगा यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट हु इज लुकिंग आफ्टर ऑल द स्टेट्स वन पर्सन लुकिंग आफ्टर ऑल द स्टेट्स ठीक है और फिर दूसरा बंदे रहेंगे हर स्टेट से हर स्टेट से हम एक 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 रिस्पेक्टिव मिनिस्टर उठाएंगे हु इज इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन तो ऐसा करके सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट से बंदे मिला के हमने फाइनली उनको किधर बैठा दिया हमने उनको बैठा दिया इन द जीएसटी काउंसिल अब इनका काम क्या है अब ये लोग बोलेंगे भाई कौन से टैक्सेस जीएसटी में सब होने चाहिए क्या रेट ऑफ टैक्सेस लगाना चाहिए कौन से प्रोडक्ट के ऊपर एग्जामिशन देने चाहिए किस पे नहीं देना चाहिए क्या रेट्स ऑफ जीएसटी रहना चाहिए कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स गया जम्मू कश्मीर उत्तराखंड एक्सेट्रा हो गया इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाना चाहिए क्या ठीक है फिर मॉडल जीएसटी लॉ जीएसटी एक्ट सी जी एस टी एस जी एस टी आई जी एस टी यूटी एक्ट जो बनेगा उसके अंदर क्या प्रोविजन होने चाहिए वो भी डिसाइड करने का काम रहेगा ऑफ द जीएसटी काउंसिल ठीक है सो ऐसे ऐसे काम काम किसके है बेसिकली ये सब जो भी काम है, वो सब है जीएसटी काउंसिल के और एक और पॉइंट हमने पढ़ा था अगर आपको याद होगा तो वो पेट्रोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर आज के दिन जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है बट फ्यूचर में तो उसके ऊपर कभी भी जीएसटी एप्लीकेबल हो सकता है कब से जीएसटी एप्लीकेबल करने का है? उसका डेट भी कौन रिकमेंड कर सकता है उसका डेट कैन ऑल्सो भी रेकमेंडेड बाई द जीएसटी काउंसिल ठीक है अभी देखो जीएसटी काउंसिल को भी तो कुछ डिसीजंस लेना है ना तो उसके लिए उसको मीटिंग्स कंडक्ट करनी पड़ेगी आए दिन अभी उस वो जब मीटिंग कंडक्ट करेगा तो उसके अंदर कुछ तो कोरम होना चाहिए ना कुछ तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए तो उन्होंने बोला एटलीस्ट हाफ ओके एटलीस्ट हाफ जितने भी आपके जीएसटी काउंसिल के अंदर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है मल्टीप्लाइड बाय हाफ एटलीस्ट इतने लोग तो मीटिंग के अंदर होने चाहिए तो ही वो मीटिंग मीटिंग को हम वैलिड मीटिंग मानेंगे ठीक है अभी वो मीटिंग के अंदर अगर आपको कुछ डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन के लिए हमको मेजोरिटी की वोटिंग मिलनी चाहिए ओके okay, मेजॉरिटी लोग वो चीज के लिए हाँ बोलने चाहिए तो मेजॉरिटी ऑफ एटलीस्ट थ्री फोर्थ ओके थ्री फोर्थ ऑफ द वेटेड वोट्स मतलब जितने भी लोग प्रेजेंट है और जितने भी लोग वोट कर रहे हैं उसमें देखो सेवेंटी फाइव परसेंट लोगों ने क्या बोला है ठीक है अभी पे ना डायरेक्ट 75 नहीं लेना आपको 75 आपको 75 लेना है ऑफ द वेटेड वोट्स मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का वोटिंग परसेंटेज डिसाइड करो उसको एक वोट दे दो वन थर्ड का स्टेट गवर्नमेंट का वोटिंग परसेंटेज डिसाइड करो मतलब कितने लोगों ने फेवर में वोट किया है उनको एक वेट दे दो टू थर्ड का ऐसा करके आपको वेटेड एवरेज परसेंटेज कितना आना चाहिए वेटेड एवरेज परसेंटेज आपको एटलीस्ट थ्री फोर्थ आना चाहिए सेवेंटी फाइव परसेंट आना चाहिए तो हम मानेंगे कि हाँ भाई जो प्रपोज किया गया था वो जीएसटी काउंसिल मीटिंग में दैट इज डीम टू बी अप्रूव ठीक है इसका भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन मैंने करके दिखाया है लेक्चर के अंदर जब आप फर्स्ट लेक्चर चेक करोगे तब आपको वहां पर मिल जाएगा ठीक है और फिर उसके बाद में आर्टिकल नंबर 368 क्या बोलता है आर्टिकल 368 बोलता है कि भाई अगर आपको जीएसटी काउंसिल के अंदर ही कुछ चेंजेस करना है मानो उसके कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कुछ चेंजेस करना है तो फिर वो भी कर सकते हो थ्री लेवल अप्रूवल चाहिएगा लोकसभा का अप्रूवल चाहिएगा बाई टू थर्ड मेजोरिटी ठीक है राज्यसभा का अप्रूवल चाहिए रहेगा वापस टू थर्ड ऑफ द मेजोरिटी और फिर स्टेट सारे के सारे स्टेट्स इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं सबका अप्रूवल चाहिए रहेगा ऑफ एटलीस्ट हाफ अगर ये इतने अप्रूवल्स आपको मिल गए तो अगर आपको जीएसटी काउंसिल के अंदर भी कुछ चेंजेस करना है तो वो चेंजेस आप जीएसटी काउंसिल के अंदर कर सकते हैं। ठीक है पहले तो हमने पढ़ा यहाँ पे कोरम कोरम हाफ होना चाहिए फिर हमने पढ़ा डिसीजन के लिए कोई भी डिसीजन अप्रूव करने के लिए ऑफ ऑफ द द का का वोट्स वोट्स चाहिए चाहिए वेटेड एवरेज हमको तो ही वो डिसीजन अप्रूव होगा और अगर आपको जीएसटी काउंसिल के अंदर कुछ चेंजेस करना है तो फिर उन्होंने बोला कर लो ना कोई प्रॉब्लम नहीं है लोकसभा के पास जाओ टू थर्ड अप्रूवल लो राज्यसभा के पास में जाओ टू थर्ड अप्रूवल लो स्टेट्स के पास में जाओ एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट ऑफ द स्टेट्स हाँ बोलनी चाहिए वो चेंजेस करने के लिए अगर ये सब हो जाता है एंड अगर ये सब हो जाता है तो आप जीएसटी काउंसिल के अंदर भी कुछ ना कुछ चेंजेस तो थे फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर दैट इज जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन आई होप यू आर यूजिंग दीज वीडियोस फॉर योर लास्ट डे रिवीजन ओनली फर्स्ट टाइम के लिए प्लीज इसको यूज मत करना आपके लिए बहुत फास्ट होगा एंड यू नो ये हम वो लाइन्स पे पढ़ रहे हैं जैसे हमने अपने फर्स्ट टाइम जैसे पढ़ा था ना हम वही सीक्वेंस वही लाइन्स में पढ़ रहे हैं तो एक बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है ठीक है उसके बाद में ही उसके बाद में ही आप ये रिविजन को यूज़ करो रिविजन वीडियोज़ को यूज़ करो एंड इसके जो नोट्स हैं वो मैंने वेबसाइट पे भी डाला हुआ है मेरे मेरा वेबसाइट है अर्पिता तुलसैन डॉट कॉम ठीक है वो वेबसाइट पे फ्री नोट्स करके एक सेक्शन है वहां पे आप जाओ एंड वहां पे आपको ये आ, समरी नोट्स आपको मिल जाएंगे लास्ट डे के लिए आप इसको मस्ती से यूज कर सकते हो ठीक है या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है अर्पिता तुलसियान वो टेलीग्राम चैनल में भी मैंने ये नोट्स को पोस्ट किया हुआ है वहाँ से भी आपको मिल जाएगा इसका जो भी लिंक है ठीक है इसका जो भी लिंक है नोट्स वगैरह डाउनलोड करने का टेलीग्राम वगैरह का वो मैंने ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर डाला हुआ है आप वहाँ से भी देख सकते हो यस yes, एंड अगर आपको लग रहा है कि हाँ यही पैटर्न में आपको फुल फ्लेजेड पढ़ाई करनी है तो इसके लिए रेगुलर लेक्चर्स फास्ट फास्ट्रैक्ट लेक्चर सब कुछ अवेलेबल है उसका भी लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है ठीक है अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो अगर आपको मजा आया है पढ़ने के लिए सो डू लेट मी नो बाई वे ऑफ कमेंट्स इट ऑल्सो मोटिवेट्स मी अलॉट थैंक यू सो मच सी यू फॉर द नेक्स्ट चैप्टर यस